गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव डन द रिप्रोडक्शन टॉपिक टिल प्लांट्स, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. इन ह्यूमन बींग्स फर्स्टली वी हैव टू नो विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दे कैरी आउट. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें केवल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, कोई भी ए सेक्शुअल या वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं होता, ठीक है. और दूसरी बात, दे आर यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है मेल की बॉडी में केवल, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही तरह का जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा. और सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं ह्यूमन बींग. सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जो मेल हैं और जो फीमेल हैं वो आपको फिजिकली अपीयरेंस से ही क्लियर हो जाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है. उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर से, उनको देखने से ही पता लग जाता है मेल और फीमेल का. तो इसको बोलते हैं बायो के टर्म में सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म. दे आर वीविपेरस. वीविपेरस का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म बर्थ करते हैं चाइल्ड का, यानी कि जो एग लेइंग नहीं करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, दे आर कॉल्ड वीविपेरस. और जो ह्यूमन बींग है वो भी वीविपेरस है. और जितने भी, क्योंकि ह्यूमन बींग मैमेलिया ग्रुप का मेंबर है, और मैमेलिया की खास बात ये होती है कि दे हैव मेमोरी ग्लैंड. तो मेमोरी ग्लैंड होने की वजह से ये इनके अंदर, क्योंकि ये मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं बच्चे को फीड कराने के लिए, दूध पिलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं. तो ये जो हैं, जितने भी हम लोग ये पढ़ते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इन टॉपिक्स को रिप्रोडक्शन के साथ पढ़ते हैं. रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा प्यूबर्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है स्टार्ट होने से पहले बॉडी तैयार होती है और बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं. एक्चुअली में क्या है, कोई भी एनिमल होता है या कोई भी प्लांट भी होता है, तो उसके बॉडी के दो चार स्टेजेस आते हैं. पहला स्टेज आता है जब उसकी जो है वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत बढ़ती है, जब उसका ग्रोथ पीरियड होता है, जिसे हम चाइल्डहुड कहते हैं. उसके बाद आती है उसके अंदर प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के अंदर क्या होता है, उसके अंदर वो चेंजेस आते हैं जिससे वो रिप्रोडक्टिव लाइफ को अटेन कर सके. और प्यूबर्टी के बाद आती है रिप्रोडक्टिव लाइफ, जिसमें वो रिप्रोडक्शन कर सकता है. और उसके बाद आती है उसकी जो है ओल्ड एज. ओल्ड एज में क्या होता है, जिसमें क्या है, बॉडी जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती. तो इसमें तो ये अब हम क्योंकि हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो हमें पहले प्यूबर्टी पढ़नी पड़ेगी. तो जो ह्यूमन की जो मेल और फीमेल हैं, उनका एक पर्टिकुलर एज के बाद जो है प्यूबर्टी आती है. और प्यूबर्टी कहते किसको हैं, प्यूबर्टी क्या है, लाइफ की वो स्टेज है जिसमें उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो पहले से ही उसके पास हैं वो अब फंक्शनल हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाते हैं. मेल में जो होती है प्यूबर्टी वो स्टार्ट होती है 13 to 14. फीमेल की कंपेरेटिवली मेल में प्यूबर्टी थोड़ी लेट आती है. किसी किसी भी अलग अपना ये है, बॉडी का अपना अपना फ़र्क होता है, कुछ जेनेटिक्स का भी होता है, तो सभी की बात नहीं, पर जनरली क्या होता है, फीमेल में प्यूबर्टी के जो कैरेक्टर्स हैं वो पहले से होते हैं. और जो प्यूबर्टी आती है क्यों आती है, ये आती है जब बॉडी के अंदर इस एज में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन. और ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ सिक्रीट होता है, टेस्टिस में. और इस टेस्टोस्टेरोन के बॉडी में सिक्रीट होते ही ये सारे जो कैरेक्टर मैं अभी जो बताऊंगी वो सारे उनका ट्रिगर दब जाता है, ये समझ लो आप. और इसकी वजह से, इसके हार्मोन के बढ़ने की वजह से बॉडी में ये सारे चेंजेस आने लगते हैं, जैसे एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटम, एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स, वॉइस की जो है वॉइस चेंज हो जाती है, प्यूबिक हेयर, जो प्यूबिक रीजन है उस पर हेयर्स का ग्रोथ हो जाती है, जो फेस दाढ़ी मूछ आ जाती है, चेस्ट पर हेयर्स आ जाते हैं, आर्मपिट्स में हेयर्स आ जाते हैं. तो ये था मेल के अंदर. ये कब होंगे, जब बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होगा. और ये टेस्टोस्टेरोन कौन सिक्रीट करता है, टेस्टिस. और साथ में इनकी हाइट भी इंक्रीज़ हो जाएगी. फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर ये जो एज आती है 10 से लेकर 12 ईयर्स के बीच में प्यूबर्टी शो होती है.
और जब फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी शो होती है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहली बात तो उसकी भी हाइट इंक्रीज होती है, ग्रोथ जो ब्रेस्ट है वो ग्रोथ करती हैं, और जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया इनके, क्योंकि अभी हम लोग ये सारे टर्म जो है अभी पढ़ने वाले हैं, डायग्राम ये आपके सामने है ही, अभी थोड़ी देर में हम दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता लग जाएगा। तो जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसका भी, उसकी भी ग्रोथ हो जाएगी। जैसे उसमें मेल में था प्यूबिक हेयर्स आर्मपिट्स में, इनके फेस पे और चेस्ट पे बाल नहीं आते उसके, लेकिन जो प्यूबिक हेयर्स है और आर्मपिट्स हैं उनमें जो है हेयर्स की ग्रोथ हो जाएगी। यहाँ पर जो मेन है इनके लैरिंग्स में कोई चेंजेस खास नहीं आते, लेकिन जो इनका पेल्विस है, जो हिप रीजन है वो ब्रॉड होता है, जो फीमेल का पेल्विक गर्डल होता है, पेल्विस रीजन होता है वो मेल की कंपेटिवली ब्रॉड होता है। और दूसरी बात जो सबसे मेन और जो स्टार पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनमें मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाती है, और मेंसुरेशन यानी कि जिसमें ओव्यूलेशन होता है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे हैं प्यूबर्टी के थोड़े से कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन मेल है रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसको कहते हैं, तो द सिस्टम ऑफ दैट ऑर्गन्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, दे आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल का पढ़ रहे हैं तो मेल में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो मेल के अंदर जो है इसको हम पहले यहाँ से समझेंगे फिर मैं आपको डायग्राम समझाऊँगी। यहाँ पर हम इसको समझते हैं पहले, ये देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पार्ट मान के चलो आप, एक तो वो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और दूसरे सेकेंडरी। अब आप कहोगे प्राइमरी का क्या मतलब है, प्राइमरी का मतलब है जो क्योंकि आपको पता है रिप्रोडक्शन का मतलब है गैमेट्स का बनना, गैमेट्स का फ्यूज़ होना और फिर एम्ब्रियो बनना, एम्ब्रियो से बेबी बनना। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उनको कहते हैं जो गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो गैमेट्स बनाएंगे डायरेक्टली जो इन्वॉल्व हैं दे आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल की बात करना है तो मेल में क्या होते हैं वो टेस्टीज, और सेकेंडरी किसको कहेंगे जो डायरेक्ट तो नहीं गैमेट बना रहे हैं, डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन वो हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट को वहाँ तक पहुँचने में उसकी हेल्प कर रहे हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसमें क्या क्या आती हैं, इसमें बहुत सारी डक्ट्स आएंगी जो जहाँ पर टेस्टिस में बनेंगे और टेस्टिस से पेनिस तक जो डक्ट्स हैं उसको लेके जाएंगी स्पर्म को, और साथ में बीच बीच में सिस्टम की ग्लैंड्स आएंगी और पेनिस जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है कॉपुलेटरी ऑर्गन है। तो अब ये इन सब की पोजीशन मैं आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ फिर हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। तो ये आप जो है डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। तो हम इसको यहाँ से यानी टेस्टिस से शुरू करते हैं। जो टेस्टिस होती हैं मेल के अंदर कितनी होती हैं, एक पेयर, और ये जो है एब्डोमन से बाहर हैंगिंग पोजीशन में होती हैं और ये एक पाउच के अंदर जो है हैंग होती हैं, इस पाउच का नाम होता है स्क्रोटम। यहाँ पर जो टेस्टिस आप देख रहे हो, इस टेस्टिस का जो टेम्परेचर है बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम होता है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो गैमेट फॉर्मेशन होती है, गैमेट जो बनते हैं उसके लिए कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से क्या होता है इसका टेम्परेचर बॉडी से अलग रहता है और ये इसीलिए बॉडी से अलग जो है हैंगिंग पोजीशन में होता है। यहाँ पर स्पर्म बनते हैं और ये स्पर्म बनने के बाद ये जो आप देख रहे हो, ये जो ट्यूब आप देख रहे हो इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस जो है आगे जा कर के ये आप देख रहे हो वास डिफरेंस है और ये आगे जा कर के कहाँ खुल रही है, एक कॉमन उसमें खुल रही है,
ठीक है, ये आप ये वास डिफरेंस, और यहाँ पर एक बीच में ग्लैंड आ गई है जिसका नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल। तो जो ये सेमिनल वेसिकल है, ये डक तो पहले से आ रही थी, तो ये इसमें अपना जो है जो सिक्रीशन है उसको पोर कर देते हैं, और फिर ये आ करके जो ये यूरिनरी जो ब्लैडर है इसकी भी ओपनिंग इसी में ही होगी। तो ये जो ओपनिंग हुई है और साथ में जो ये ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड भी इसी में खुल रही है यूरिनरी ब्लैडर की जो, यानी जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर भी इसी में खुल रही है, और फिर अब ये कॉमन डक्ट बन जाएगी, और साथ में एक ग्लैंड और इसमें खुलती है जिसका नाम है कॉपर ग्लैंड। अब दोबारा समझेंगे, एक कॉमन डक्ट जा रही थी जिसका नाम था वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस जैसे कॉमन डक्ट आप ये देख रहे हो ना जा रही है ऐसे, तो यहाँ पर बीच बीच में बहुत सारी ग्लैंड की सिक्रीशन इसी में डाली जा रही है। कौन कौन सी, सेमिनल वेसिकल, कॉपर ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और साथ में यूरिनरी ब्लैडर भी इसी में आकर के खुलता है यूरेटर के थ्रू। और अब जो ध्यान देने वाली जो बात है, अब यहाँ तक तो जो थी ये दूसरी वास डिफरेंस कह लो आप, लेकिन जैसे ही ये इसमें यूरेटर्स खुली तो अब इसका नाम बन गया यूरेथ्रा। ये जितनी भी यहाँ से है ना, ये यहाँ तक बन गई अब यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का मतलब क्या है, ये किसका, ये कॉमन पैसेज है, ये एक ही सिंगल रास्ता है किस किस चीज़ के लिए, यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी। स्पर्म तो पीछे से आ ही रहे हैं और यूरिन भी इसी के रास्ते से जो है आ जाएगा। तो ये है, और इसके बाद ये जो आप देख रहे हो और ये है जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इट इज़ कॉल्ड पेनिस। तो ये था ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद जो है हम लोग इसके बारे में ये थोड़ा सा पढ़ेंगे, टेस्टिस स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान देंगे। जब हम प्लूरली लिखते हैं तो ES लगाते हैं, और जब हम सिंगुलर लिखते हैं तो I लगाते हैं, टेस्टिस। तो हमने भी बताया आपको प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन है, और ये क्यों प्राइमरी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेल गैमेट यानी कि स्पर्म बनते हैं। टेस्टिस ऑल्सो प्रोड्यूस द मेल सेक्स हॉर्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। टेस्टिस ऑफ मेल प्रोड्यूस स्पर्म फ्रॉम पबर्टी टू थ्रू आउट लाइफ। ये जो आपको बात है ये ज़रा ध्यान देने की है कि जो मेल है, मेल के अंदर प्यूबर्टी से शुरू होने के बाद स्पर्म का प्रोडक्शन कभी ख़त्म नहीं होता, वो थ्रू आउट लाइफ स्पर्म बनाता रहता है, जबकि फीमेल में फीमेल गैमेट जो हैं वो एक ही समय पर बनते हैं, 50 या 45 साल के बाद बॉडी जो है फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। इसके बाद आता है स्क्रोटम, मैंने अभी आपको बताया ही था। स्क्रोटम क्या है, एक पाउच है जिसमें जो ये टेस्टिस है वो हैंगिंग करते रहते हैं लेग्स के बीच में, टेस्टिस इसी स्क्रोटम में मिलती है। और अभी आपको बताया ये थर्मो रेगुलेशन करती हैं, इनका जो है बॉडी का टेम्परेचर से इनका 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, और जिसकी वजह से ये गैमेट फॉर्मेशन हो पाता है। दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें आती हैं एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स और पेनिस। जो वास डिफरेंस है, और प्लूरल अगर हमें इसे यूज़ करना पड़ेगा तो हम इसको वासा डिफरेंसिया यूज़ करेंगे। ये स्ट्रेट ट्यूब है और 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और इसमें स्पर्म कैरी होते हैं टेस्टिस से लेकर सेमिनल वेसिकल्स तक, और फिर उसके बाद इसका नाम यूरेथ्रा बन जाएगा क्योंकि इसमें यूरेटर ओपन हो जाएगी। और ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये यूरिन और स्पर्म दोनों को कैरी करती है, और इनकी वजह से ही इसका नाम पड़ा यूरेथ्रा। ग्लैंड जो है इसमें बॉडी में 3 ग्लैंड, मैंने आपको उनकी पोजीशन भी दिखाई, नाम भी बताए, जैसे एक सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल जो है ये एक पेयर होती है, और प्रोस्टेट एक ही होती है, एक ही ग्लैंड है, और जो कॉपर ग्लैंड है वो 2 होती हैं, यानी कि एक पेयर। सेमिनल वेसिकल जो होती है ये म्यूकस सिक्रीट करती है, और जो इसका फ्लूड है वाटरी फ्लूड वो एल्कलाइन नेचर का होता है, और साथ में इसमें फ्रक्टोज होता है। तो ये जैसे स्पर्म पीछे से जैसे आ रहे हैं ना, तो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा ये जितना भी इसका फ्लूड है, इसका सिक्रीशन है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, ऐसे ही ये म्यूकस है, इसके अंदर एल्कलाइन नेचर का होता है, और ये एल्कलाइनिटी क्यों होती है, क्योंकि वेजाइना के अंदर एसिडिटी होती है, तो उस एसिडिटी को
न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, ताकि स्पर्म की जो है डेथ ना हो जाए एसिडिटी से, तो उसको न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड करने के लिए ये एल्कलाइन नेचर की होती है। कॉपर ग्लैंड भी म्यूकस और एल्कलाइन फ्लूड सिक्रेट करता है। तो ये थी ग्लैंड्स। जो पेनिस है वो एक लॉन्ग थिक और मस्कुलर ऑर्गन होता है। इट इज़ कवर्ड विद अ फोल्डेड फोरस्किन एंड इट एक्ट एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। इसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।